Sushri Anusuya Uike was sworn in as the new governor of Manipur at the Darbar Hall, Raj Bhavan, on Wednesday. Chief Minister Biren Singh, along with his cabinet ministers and MLAs, attended the function. The new governor said the Prime Minister decided to hand over the responsibility to her after looking at her work of 3 years as governor of Chhattisgarh. She said she has a good experience of working with tribal populace, and as Manipur has a sizable tribal populace, her experience will come in handy. मैं राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नई जिम्मेदारी मुझे मणिपुर स्टेट के लिए एज ए गवर्नर के रूप में दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक रूप से भी लोग भी बहुत यहाँ के अच्छे हैं और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक मैं मानती हूँ कि ये मेरे कार्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, मैं अभी इसके पूर्व 3.5 साल हुए हैं मैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी और वहाँ मैंने लोगों की समस्या उनका समाधान करने का प्रयास किया। लोगों का वहाँ का जो स्थिति थी टोटली वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 32% और उनको काफ़ी अवेयर किया और उनका काफ़ी मतलब मुझे सहयोग मिला पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों का, बहुत ही सहज सरल और काफ़ी सारे समाज सभी वर्गों को मैंने साथ लेकर और वहाँ मदद करने का प्रयास किया। इसी तरह मैं मणिपुर में, यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं, बहुत सहज है, सरल है और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है और सभी समुदाय को साथ में रखकर और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल, पूरे तमाम सारे लोगों की सलाह से, सहयोग से हम इस स्टेट का और डेवलपमेंट क्या हो सकता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और उनकी भावना के अनुरूप हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हर प्रकार का डेवलपमेंट हो, लोगों की समस्या का समाधान हो और शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, यह तमाम जो चीज़ें यहाँ पर अभी तक वर्षों से नहीं हुई है। वैसे तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ के सीएम साहब, जब से आप मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जानकारी मिली है आपके आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और हम मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर मैं मणिपुर की तमाम जनता को बहुत बहुत मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ और आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहूँगी आपका सहयोग सकारात्मक रूप से मिले ताकि हम सब मिलकर इस मणिपुर स्टेट को आगे बढ़ाएंगे और लोगों की जो भावना है और उनकी तकलीफें हैं उनको